थोड़ा ही क्वेश्चन बीच में रह गया था, इसको पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पहुंच गए थे, हमने टेन को लिख लिया था साइन अपॉन कॉस। जब हम टेन को साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो साइन अपॉन कॉस लिखने से क्या हो जाएगा, जब ये साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम होगी, कॉस ऊपर आ जाएगा साइन नीचे रहेगी। सेक को क्या लिख दिया, वन अपॉन कॉस थीटा एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर हमने पाई बाय फोर का डिफरेंशियल कर दिया, क्योंकि पाई बाय फोर एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। यहाँ पर एक्स का डिफरेंशियल लगेगा, सिर्फ एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, वन, वन बाय टू एज इट इज, ठीक है। उसके बाद इस कॉस से इस कॉस को कैंसिल कर, एक पावर कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा साइन थीटा कॉस थीटा और वन बाय टू, तो इसको एक साथ मर्ज कर लिया सारा, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन टू थीटा, टू की इंटू अंदर हो जाएगी, तो ये जाएगा टू पाई बाय फोर प्लस टू एक्स बाय टू, तो टू पाई बाय फोर का मतलब पाई बाय टू हो जाएगा और टू एक्स बाय टू में टू टू कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा पाई बाय टू प्लस एक्स। साइन पाई बाय टू प्लस एक्स क्या होता है, साइन नाइनटी, पाई बाय टू पे वैल्यू बदल जाती है, साइन का किसमें चेंज हो जाना है, कॉस में, तो साइन कॉस में जाएगा, एंगल एक्स आ जाएगा, तो साइन पाई बाय टू प्लस एक्स इज कॉस एक्स, क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का कॉस एक्स लिखा गया, इसलिए तो वन अपॉन कॉस क्या आ गया हमारा, वन अपॉन कॉस हो गया सेक एक्स, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सेक एक्स आ गई। तो ये तो प्रूफ करना था कि प्रूफ प्रूफ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बेटा एक और क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। हमें प्रूव ये करना था कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, हमें ये प्रूव करके दिखाना। तो हमें दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x के फंक्शन है, न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन है, तो हमें लगाना पड़ेगा कौन सा रूल, क्वोशेंट रूल। क्वोशेंट रूल में क्या होता है, न्यूमरेटर फर्स्ट होता है, डिनोमिनेटर सेकंड होता है, तो सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फिर माइनस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हमने ये सारा मैटर पूरा इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, क्वेश्चन टू में पुट करना सबको ही आता है, तो वो मैंने पुट अप कर दिया सारा मैटर, है ना, फर्स्ट सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। अब देखो जब यहाँ डिफरेंशियल होगा तो e की पावर x का डिफरेंशियल हमें पता है सबको, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x बना। अब पावर में क्या लिखा हुआ है बेटा, x लिखा हुआ है, x का डिफरेंशियल आप सभी को पता है वन होता है, तो इसलिए यहाँ पर वन आएगा इनटू में, है ना, इनटू में वन, वो मैंने लिखा नहीं। उसके बाद बेटा e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल होगा, e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल भी e की पावर माइनस x ही होगा, क्यों, क्योंकि e की पावर का डिफरेंशियल बदलते नहीं है, सेम एज इट इज रहते हैं, तो e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल e की पावर माइनस x ही आया। फिर ऊपर क्या लग रहा है बेटा, माइनस x लग रहा है ना, तो माइनस x, तो हमें पता है इसमें x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, वन, तो यहां बचेगा कितना, माइनस वन, तो माइनस वन और माइनस प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, इस वजह से यहाँ माइनस आ गया। इसी तरीके से ये एज इट इज आ गया, फर्स्ट एज इट इज, अब डिफरेंशियल हुआ सेकंड का, एज इट इज ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स, ऊपर वाले एक्स का डिफरेंशियल हो गया वन, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर माइनस एक्स, और ऊपर वाले माइनस एक्स का डिफरेंशियल हो गया माइनस वन, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए। अब ये देखो दोनों सेम हो गए, यानी कि होल स्क्वायर बन गया, ये दोनों भी सेम हो गए, यानी ये भी होल स्क्वायर बन गया, तो ये मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हमें पता है कि e की पावर x और e की पावर माइनस x मल्टीप्लाई में पावर कैसी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो e की पावर जीरो हो जाएगा, e की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो बेटा ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, यहाँ बचेगा माइनस टू और यहाँ भी बचेगा माइनस और प्लस, माइनस ये भी माइनस टू, बाकी ये प्लस प्लस है ना, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, ये प्लस के हैं दोनों, लेकिन ये माइनस की वजह से दोनों माइनस के हो गए तो कैंसिल हो गए, तो माइनस टू और माइनस टू क्या आ गया, माइनस टू इंटू माइनस टू, यानी कि माइनस फोर अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी ई की पावर एक्स के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना, तो बेटा इस तरीके से ई की पावर एक्स के क्वेश्चन बनाने हैं। अब आप अपने जो क्वेश्चन है ना चेन रूल के, वो आर एस से या आर डी से कहीं से ही बना सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड में जितने आए हुए क्वेश्चन है वो सब ट्राई करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा ही आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और इस चैप्टर की प्रैक्टिस में जो स्पीड आपकी होनी चाहिए वो बन जाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें आप इसलिए, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।